नमस्कार, मैं मुकेश हलवाई और आज मैं आपको बताऊंगा जो पानी पूरी, पावाजी, दावेली, गुजिया, समोसे, कचौड़ी सब में इस्तेमाल होने वाली हरी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने पालक लिया है, ये एक गड्डी पालक है और आप वजन की बात करें और ये लगभग 500 ग्राम जितना पालक है हमारा। इसको हम साइड में बड़ी लकड़ी थोड़ी निकाल देंगे। उसके बाद आपको बड़ा बड़ा काट लेना है और ये सभी आपको धुल के लेना है। पालक को भी धो के ले लें और इसको हमें हल्का सा उबालना है, यानी कि सिर्फ 5 मिनट। देखिए पहले से भी हमने धुल दिया था, इसको फिर से भी धो दिया है। ओनली आपको इसमें भाप लगाना है, यानी कि 2 से 5 मिनट। देखिए कंप्लीट हो गया हमारा पालक। इसके बाद हमने ये धनिया लिया है, धनिया भी हमें उतना ही लेना है जितना आपको पालक लेना है, उतना ही हरा धनिया लें। और ये भी हमने धो के लिया है, अच्छे से पानी से धो लें। और आपको ऐसे तो बड़ा ही बड़ा काट लेना है क्योंकि हमें मिक्सर में से पीसना है। और इसको आप सभी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पानी पूरी, दावेली, बावाजी, समोसा, कचौड़ी, गुजिया, दही बड़ा। और ये हमने 150 ग्राम जितनी हरी मिर्च लिया है और ये हरी मिर्च है ना काफ़ी तेज़ है, तो 150 ग्राम काफ़ी हो जाएंगे। और ये 50 ग्राम हमने लिया है अदरक। ये देखिए चार चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई, ये धनिया, हरी मिर्च, अदरक और पालक हमने पहले से ही उबाल के रखा है, तो हम इसी में डाल देंगे पालक में ही मिर्ची, धनिया, अदरक। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम जितना जीरा। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे। अगर आपको ये चटनी जैसा थोड़ा बहुत गाढ़ी लगती हो तो आप इस चटनी को आप समोसे में, कचौड़ी में, पानी पूरी में, हल्ला में और गुजिया में, किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये परफेक्ट चटनी की रेसिपी हम आपको बता रहे हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनेगी, हरी चटनी। आप इसको किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे दावेली हो, चाहे पाव भाजी, किसी भी चीज़ के साथ इसको दे सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया हरी चटनी। और भी अभी इसमें बहुत सारा हमें मसाले डालना बाकी है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारी बिस्किट कंप्लीट हो गई है ना। अगर आपको लगता है सही है, आप इसमें पानी इस्तेमाल और कर सकते हैं, लेकिन ये सही है हमारी चटनी। इसमें हमने डाला है काला नमक 50 ग्राम जितना और 100 ग्राम जितना सादा नमक और ये ऊपर से 25 ग्राम जितना गरम मसाला। उसके बाद ये हमने डाला है हींग पाउडर 20 ग्राम। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अब आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक कर लें। अगर आपका नमक परफेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, नमक आप अपने हिसाब से डाल दें। ये देखिए हमारी चटनी एकदम परफेक्ट है। नमक थोड़ा कम था तो हमने और ऐड कर लिया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। आओ। हाँ।